गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 10 वीडियो चैप्टर का पार्ट 10 वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे है। ये क्या कह रहा है कि बगल के आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ केंद्र है और ए ओ सी बराबर दिया है 140 डिग्री। तो आपको निकालना है एंगल ए डी सी, एडीसी यानी एक्स का वैल्यू निकालना है और दूसरा निकालना है एबीसी, एबीसी यानी कि वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ अगर बात करें एंगल एबीसी की तो ये क्या होगा, तो ये आधा होगा एंगल एओसी का, होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर है ना चाप द्वारा जो बना कोण होता है वो वृत्त पर के कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। यानी कि ये इसका दो गुना ये होता है, यानी कि कह सकते हैं कि ए बी सी जो होगा इसका आधा होगा, यही ना होगा। तो एंगल ए बी सी बराबर 1/2, ए ओ सी का वैल्यू कितना है 140 ना, तो यहां से निकल जाए कितना 70 डिग्री, समझ गया ना। चलिए अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, तो ये आपका सेकंड नंबर का हो गया। अब ए डी सी की बात करेंगे, ये वाला कोण है ना, ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर था। अब पहला